हेलो गाइस, परम अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लाए रेनबो 2 मूवी के चुट्टू चुट्टू सॉन्ग का रिएक्शन, जो कि शरण और अक्षिका की मूवी। और ये निकली थी अभी 2018 में ही आई थी, और इसे अनिल कुमार जी ने डायरेक्ट किया था, और ऊपर से मूवी के लीड डायरेक्टर थे शरण जी। और शरण जी का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इस मूवी में। इसमें ऐसा था कि वो अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ से, कि बहुत पक चुके हैं और नॉर्मल चीजें कर करके, तो वो सोचते हैं एक दिन की मैं कोई एडवेंचरस ट्रिप पे चला जाता हूँ। वाओ, तो वो ट्रिप के दौरान इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या क्या होता है उसके ऊपर ही मूवी है। ओह क्या बात है यार। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो इस मूवी के प्रोडक्शन में है। अच्छा। क्योंकि मूवी का प्रोडक्शन ऐसा था कि मूवी के प्रोड्यूसर्स थे पहले, लेकिन वो मूवी के प्रोड्यूसर्स थे वो चालू होने के साथ साथ ही वो बैकआउट कर गए। क्यों पता नहीं, उन लोगों का कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हुए तो एक जन निकल गया। फिर एक और प्रोड्यूसर आया, उसको थोड़ी कम बजट में मूवी बनानी थी तो वो भी निकल गया। तो इनके पास कोई प्रोड्यूसर ही नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने मिलके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके और अपने जो खुद इनको पैसे मिलते थे वो तक मना करके यहाँ मूवी में लगाने शुरू कर दिए। और शरण जी का अपना घर बन रहा था, तो घर का बनावट रोक के उन्होंने वहां के पैसे यहाँ लगा दिए मूवी के अंदर। और फिर इनको किसी ने बताया कि अटलांटा नागेंद्र जी, जिन्होंने रैम्बो 1 में भी हेल्प की थी शरण जी की, उनसे कॉन्टेक्ट करो। तो जब उनसे कॉन्टेक्ट किया तो वो तैयार हो गए कि हाँ भाई मैं प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हूँ इसमें। तो शरण जी और अटलांटा नागेंद्र जी ने फाइनली इस मूवी को प्रोड्यूस किया। अनिल कुमार जी ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं था, तो उसने कहीं ना कहीं मैं हेल्प किया, क्योंकि इससे क्या हुआ, इससे हम जैसी मूवी मैं बनाना चाहता था ना वैसी मैं बना पाया। मेरे पीछे कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं था जो मुझे बोलने के लिए कि ऐसा करो वैसा करो, जैसा मुझे बनाना था मैं वैसी बना, और सुपर हिट भी गई वो मूवी। सही है यार। और अब इस गाने पे आते हैं, तो इस गाने को गाए रविंद्र सोरागवी और समिता मल्ला जी ने। रविंद्र सोरागवी जी की बात करो तो उनकी प्रीवियस मूवी थी रथावरा, जिसके सारे सॉन्ग सुपर हिट हुए थे। और इसके अलावा उन्होंने जैसे गोलेहाटी जैसी मूवीज में काम किया है। और इसके अलावा इसकी जो शमिता मल्ला जी है, उनको लेडी रॉकस्टार के नाम से जाना जाता है, और उनसे ज्यादा पंगा नहीं लेने का क्योंकि वो डेंटिस्ट भी है और है ना वो वही दांत तोड़ देगी। और उसके साथ साथ में वो एंकर भी है और ना डबिंग आर्टिस्ट भी है। अच्छा। उन्होंने जैसे मूवी सुपर जैसी मूवीज में उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा इसके कंपोजर है अर्जुन जानिया जी। अर्जुन जानिया जी की डेब्यू मूवी थी ऑटोग्राफ प्लीज, जो 2006 में आई थी। उसके बाद उनकी एक मूवी थी बीरू गाली करके, जिसके लिए उनको बेस्ट कंपोजर का अवार्ड भी मिल चुका है। और इसके साथ साथ इसके लिरिसिस्ट है शिवू बर्गी जी। शिवू बर्गी जी कनाडा इंडस्ट्री में एक मतलब बहुत अच्छा नाम है। वाह, तो जबरदस्त सॉन्ग लग रहा है। सॉन्ग जैसे बहुत हिट हुआ है कनाडा इंडस्ट्री में। अच्छा। तो ये आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाह, कितना कलरफुल सेट है। हां हां, बीट्स अमेजिंग है। बहुत कलरफुल है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। ये साफ़ कितने जोरदार लग रहे हैं। वाह, कितने क्यूट एक्सप्रेशन है उनके, बहुत मजा आ। नीचे उन्होंने जो पजामे सलवार जैसा पहना होगा तो मस्त लग रहा है, जबरदस्त है, बहुत मस्त लग रहा है। वाइस मतलब एक सॉन्ग के लिए कितने सारे सेट्स बनाए हैं, वो कितने सुपर है सारे के सारे, ग्रैंड मतलब पूरा सॉन्ग बनाया गया। एंड यहाँ पे भी इतनी कलरफुल ड्रेस, लाइक सॉन्ग को देखते एक स्माइल आ जाता है सीरियसली। ये राउंड 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 घूम रहे पीछे, लाइक इसमें वो मिरर वाली ड्रेस जो है गुजरात में बहुत चलती है, गरबा में पहनते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त बना है। ओ अमेजिंग मैन, साइड मिरर भी है। नाचने का मन हो रहा बहुत, पर यहां से आंखें भी नहीं हट रही भाई। आहा,
मजा आ गया लाइक मतलब ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था, पूरा आंखों के लिए इतना जबरदस्त था, और ऊपर से जिस तरीके से वो सुनाई दे रहा था, जिस तरीके से वो डांस कर रहे थे, उनकी ड्रेस से लेके बैकग्राउंड से लेके सब सुपर्ब, लाइक वो प्रोडक्शन पे इतना उन्होंने ध्यान दिया है ना, वो इतना देख के अच्छा लगा, वो बहुत मजा आया। और है ना मेन तो जब गाने का मजा आता है जब वो आते ना चुटू चुटू, वो जो दोनों के पूरी भीड़ इतनी मस्त चलती है उसको रोते हैं, तो वो इतना जोरदार लगा ना, पल फर्स्ट तो है ना हीरो का एक्सप्रेशन हाँ, था, फिर उसके बाद उनके तो मतलब और भी कमाल के थे। मावा ये ना हुडगी और बैकग्राउंड के तो यार मैं क्या बोलूं, मतलब आंखें एकदम खुल रही थी यार, मतलब ऐसा बैकग्राउंड रोज के रोज देखने को मेरे मजा आ जाए। वो फर्स्ट वाले में तो मस्त वो पीछे पुतले रोटेट कर रहे हैं, वो कितना कलरफुल लग रहा है, वो उसमें राउंड 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 घूम रहा था, फिर सेकंड में वो सिल्वर वाला बना दिया पूरा एकदम मिरर वाला, एंड फिर थर्ड वाले में तो और जबरदस्त वो राउंड राउंड वाला, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और है ना साथ में वो साफे बहुत सूट कर रहे थे उस गाने को, कि जैसे है ना एक कैमरा एंगल वो ले रहे हैं कि जैसे ऊपर कैमरा एंगल उनके आ रहा है तो नीचे है ना उनके साफे दिख रहे हैं, वो एकदम काफी अच्छे से शूट किया गया। वही पूरा ऐसा सॉन्ग था जो मतलब समझ आ रहा है कि हाँ ये ट्रेंड सेटर रहा होगा, जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने थे, जिस तरीके से स्माइल कर रहे थे, और शरण जी का कहना पड़ेगा वो जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशन हुए थे, क्यूट लग रहे थे ना वो, जिस तरीके से एक्सप्रेस वो फर्स्ट वाले टाइम में जब आया था वो किया था, वो बहुत मस्त लगा था। ऑल बेस्ट सॉन्ग मजा आ गया यार, एंड सिनेमेटोग्राफर की भी दाद देनी होगी जिस तरीके से शूट किया, एंड अनिल कुमार जी ने भी जिस तरीके से डायरेक्ट किया बहुत अच्छा लगा, और सिंगर की भी रविंद्र जी की इतनी जोरदार आवाज लगी, और फीमेल सिंगर की भी मतलब एकदम ऐसा लग रहा था रविंद्र जी की आवाज तो है ना हीरो से शरण जी से एकदम मैच खा रही थी कि वो ही गा रहे हैं, एकदम सूट करती है, और फीमेल की आवाज भी बहुत मस्त लगी यार, डांस करने में मजबूर कर रहे थे, करो डांस करो उठो उठो, मैं हिल रहा था यार, अब उठने दो अब उठने दो, बट ऐसा था कि देखो भी साथ में, अब देखो भी डांस भी करो, तो फिर हम देख आंख नहीं हिलाने दे रहे थे पूरे, एक भी सीन ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी अपनी आंख हिला के साइड में देख सकते हो, बहुत जोरदार ए वन सॉन्ग मजा आ गया, जबरदस्त कन्नड़ इंडस्ट्री जबरदस्त, जिन लोगों ने बताया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऐसे आप बताते रहिए और देखते रहिए, और क्या देखना आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, बाय।